रेणु जी कह रही हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं सर, 634 रुपए की खरीद है इनकी। कह रही हैं कि और ऐड कर सकते हैं क्या और किस लेवल पे ऐड करना चाहिए। आज दबाव देखने को मिल रहा है, आज बड़ी ब्लॉक डील देखने को मिली है, करीब 1758 करोड़ की ब्लॉक डील जो है वो टाटा मोटर्स के शेयर में देखने को मिली है और शेयर के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है और करीब आधे फीसद से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 968-969 के आसपास ट्रेड करता हुआ, 634 पे ले रखा है, ठीक ठाक प्रॉफिट में है सर ये। लेकिन अब ये एवरेज भी करना चाह रही हैं, क्या एवरेज की सलाह रहेगी आपकी कि और ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए? पिछले कुछ दिनों में थोड़ा सा दबाव भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, एक महीने में करीब 10-11% करेक्ट हुआ है, आपकी सलाह क्या होगी टाटा मोटर्स पे? देखिए, टाटा मोटर्स ने 1065 का 2 बार ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था। सेकेंड टाइम में लोअर हाई बना था और खराब न्यूज के साथ पैटर्न का ब्रेकडाउन बना है। यहाँ से 921 रुपए पैटर्न का लो है, वो पहले आता हुआ दिख रहा है। अगर उस जोन में रिजेक्शन बनती है तो एक बार के लिए एवरेज कर सकते हैं वापिस 1065 के लिए, लेकिन 920-900 ये जोन अगर होल्ड नहीं होती है तो स्टॉक में फिर नीचे 810 रुपए तक की डाउन मूव आ सकती है। तो 920 के आसपास एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। आउटराइट खरीदने से पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा जो भी एक्सपर्ट बैठे हैं उनसे कि 920 पर रिजेक्शन कैंडल बन रही है या नहीं। अगर बनती है तो ही कंडीशनल बाई रहेगा, नहीं तो अवॉइड की कैटेगरी में रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा, ये आपके लिए सलाह यहाँ पर है।